Assalamu alaikum, my name is Umair Bab. Today I am going to discuss about speech act theory and three steps of speech act theory, which is known as locutionary act, illocutionary act and perlocutionary act. So let's get started. स्पीच एक्ट थ्योरी को बेसिकली स्टडी किया जाता है सिमेंटिक्स में, डिस्कोर्स में और प्रैग्मेटिक्स में. स्पीच एक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया जो लैंगशॉ ऑस्टिन ने 1962 में, जो कि एक ब्रिटिश फिलोसफर थे एंड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिक्स. लैंगशॉ ऑस्टिन ने स्पीच एक्ट थ्योरी का हवाला अपनी एक बुक में दिया और उस बुक का नेम था हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स. अकॉर्डिंग टू हिम स्पीच एक्ट इज अ सब फील्ड ऑफ प्रैग्मेटिक्स दैट स्टडीज हाउ वर्ड्स आर यूज्ड नॉट ओनली टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बट also to carry out actions. उनका कहना ये था कि लैंग्वेज के थ्रू ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं बल्कि बहुत से एक्शंस को भी कैरी आउट करवा सकते हैं. स्पीच एक्ट इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ स्पीकर विद एन अटरेंस. स्पीच एक्ट एक एक्शन है जिससे स्पीकर अपने अल्फाज से या अपने कहने के अमल से कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकता है. स्पीच एक्ट, स्पीच मीन कहना, एक्ट मीन अमल. कहने के अमल को स्पीच एक्ट कहते हैं. इफ़ वी लुक एट द शॉर्ट मीनिंग ऑफ स्पीच एक्ट देन इट मीन्स यूज ऑफ लैंग्वेज टू अकॉम्प्लिश एक्शन. इन अदर वर्ड्स एक्शन परफॉर्म्ड वियर ट्रेंसेज आर जनरली कॉल्ड स्पीच एक्ट. फर्दर जॉन रोजर्सर ने स्पीच एक्ट थ्योरी को 1969 में डिवेल्प किया, जो कि एक अमेरिकन फिलोसफर थे. उनका भी यही मानना था दैट लैंग्वेज इज वर्कड एज अ टूल जिसके जरिए हम बहुत से एक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं. लाइक थ्रू लैंग्वेज वी गिव ऑर्डर्स टू एनीवन, टू मेक रिक्वेस्ट, टू गिव वार्निंग्स और टू गिव एडवाइस. बोथ फिलोसफर्स ऑफ लैंग्वेज बिलीव दैट लैंग्वेज इज नॉट ओनली यूज्ड टू इन्फॉर्म और टू डिस्क्राइब थिंग्स, इट इज ऑफन यूज्ड टू डू थिंग्स और टू परफॉर्म एक्ट्स. दोनों फिलोसफर्स का यही मानना था कि लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत से एक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं. लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी. थ्रू लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट विद एनीवन. नाउ वी लुक एट द की कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीच एक्ट. स्पीच एक्ट माइट कंटेन जस्ट वन वर्ड एज इन सॉरी टू परफॉर्म एन अपोलॉजी और सेवरल वर्ड्स और सेंटेंसेज. यहाँ पर वो ये कहते हैं कि स्पीच एक्ट एक वर्ड भी हो सकते हैं. लाइक इफ़ आई सेड सॉरी, थैंक यू, देन इट्स मीन आई एम परफॉर्मिंग अ स्पीच एक्ट. वी परफॉर्म स्पीच एक्ट when we offer an apology, greeting, requesting, complaint, invitation, compliment, refusal. Speech act ko hum perform karte hain jab hum kisi se maafi mangte hain, request karte hain, invite karte hain and many more. Speech act is an utterance that serves as a function in communication. Some examples of speech act. First one is give me a glass of water please. Here I am requesting someone to give me a glass of water. Second one is I wrote a marriage letter to my brother. यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास की गई है that I wrote a marriage letter to my brother. Third one is did you open the door? बज़ाहिर तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है बट यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्वेश्चन कर रहा है दैट डिड यू ओपन द डोर. इन आंसर एस्टैब्लिश दैट व्हेनेवर वी से समथिंग थ्री सिमल्टेनियस एक्ट्स आर प्रोड्यूस. दीज आर नेम्ड एज इलोकेशनरी एक्ट, लोकेशनरी एक्ट एंड परलोकेशनरी एक्ट. लोकेशनरी एक्ट गिव्स अ लिटरल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. इट इज़ द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग. इट प्रोड्यूसेस ए मीनिंगफुल लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन एंड इट क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडेबल अटरेंस टू कन्वे और एक्सप्रेस. लोकेशनरी एक्ट आर एनी अटरेंस दैट सिंपली कंटेन अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली वो कहना ये चाहते हैं कि लोकेशनरी एक्ट हमें एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट देते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में. वी कैन से परफॉर्मिंग एन एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग और फिजिकल अटरेंस ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज क्राइंग. बेबी इज सब्जेक्ट एंड क्राइंग इज ऑब्जेक्ट. और ये सेंटेंस हमें एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे रहा है सो ये लोक्यूशनरी एक्ट कहलाएगा. द स्काई इज़ ब्लू. स्काई इज़ सब्जेक्ट, ब्लू इज़ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट हैं देन इट्स मीन द स्टेटमेंट इज़ मीनिंगफुल. सेकेंड स्टेप ऑफ स्पीच एक्ट थ्योरी इज़ इलोक्यूशनरी एक्ट विच गिव्स इंटेंडेड मीनिंग टू सेंटेंस. Illocutionary act means the intention behind an utterance. These are the real actions which are performed by the utterance. We form an utterance with some kind of function in mind. This communication force of an utterance is known as illocutionary act, means intention of the speaker.
इसमें इलोकेशनरी का मतलब ये है कि एक स्पीकर जब कोई अपनी स्टेटमेंट कन्वे करता है, वो उस स्टेटमेंट के थ्रू इनडायरेक्टली सामने वाले से कोई काम करवाना चाहता है और उसमें उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, कमांड्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। इट इन्वॉल्व्स रिक्वेस्टिंग, कमांडिंग फीलिंग्स एंड इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, इट्स शॉर्ट इन ईयर रिक्वेस्टिंग समवन टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनिंग। मीन यहाँ पे गर्मी बहुत है, उसका उस स्टेटमेंट में उसका कहने का ये मतलब है कि कोई उठे और एयर कंडीशनिंग को ऑन कर दे। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप ऑफ स्पीच एक्ट थ्योरी इज परलोकेशनरी एक्ट, मीन्स परसीव्ड इफेक्ट। परलोकेशनरी एक्ट मीन्स इफेक्ट और एक्शंस ऑफ यूटरेंस और स्टेटमेंट इन द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड और इंटरप्रिटेशन ऑफ लिसनर। परलोकेशनरी इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द लिसनर व्हेन दे लिसन अ लोकेशनरी एक्ट और दिस इज द हियरर रिस्पॉन्स। द इफेक्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इमेजिनेशन, फीलिंग्स और इमोशन। परलोकेशनरी एक्ट में वो कहना ये चाहते हैं कि हमारी जो स्पीकर ने एक स्टेटमेंट कन्वे की है, सामने वाला उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन करेगा या नहीं करेगा, वो उसकी बात को अंडरस्टैंड कर चुका है या नहीं, इसमें ये है। और ये स्पीकर के माइंड में होगा, उसकी थॉट में, इमेजिनेशन में, फीलिंग्स में या इमोशंस में होगा कि सामने वाला उसकी बात को अंडरस्टैंड कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स हॉट इन हियर, समवन गेटिंग अप एंड टर्निंग ऑन द एयर कंडीशनिंग। अब कोई स्पीकर के माइंड में ये बात चल रही है कि अब कोई उठेगा और जो है एयर कंडीशनिंग को ऑन कर देगा, मतलब कि सामने वाला मेरी इनडायरेक्ट वे में जो मैंने बात की है वो उसको समझ चुका है। नाउ सम ऑफ द होल स्टेप ऑफ स्पीच एक्ट। फिजिकल अटरेंसेज हमारी लोकेशनरी एक्ट में आएंगे, स्पीकर की डिज़ायर्स, इमोशंस, फीलिंग्स इलोकेशनरी एक्ट में आएंगे, परसीव्ड इफेक्ट हमारा परलोकेशनरी एक्ट में आएगा। इज द एग्जांपल्स ऑफ लोकेशनरी एक्ट, परलोकेशनरी एक्ट एंड इलोकेशनरी एक्ट। दिस इज ऑल अबाउट स्पीच एक्ट थ्योरी एंड 3 स्टेप्स ऑफ स्पीच एक्ट थ्योरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।